सो गाइज वेलकम बैक टू व्लॉग, दिस इज मोहित कुमार एंड यू आर वॉचिंग पीएम व्लॉग यूट्यूब चैनल। गाइज तो आज और अभी हम लोग हैं कहाँ पे हैं हर्ष? हम लोग हैं भाई आरपीएम एकेडमी। हाँ तो आरपीएम एकेडमी के जो पीछे वाला जो बांध है वहाँ पे अभी हम लोग हैं और अभी आए थे हर्ष के घर पे और अभी हम लोग जा रहे हैं जेवलिन खरीदने, वो बाद में बताऊंगा कि किसके लिए खरीदने जा रहे हैं। तो अभी और हमारे साथ हर्ष है और आलोक है, तभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे खरीदने जैवलिन। और जैवलिन खरीदने के लिए हमको बक्सीपुर जाना पड़ेगा क्योंकि बक्सीपुर में जैसे किताबों की जितनी भी दुकान है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी दुकान है बक्सीपुर में काफ़ी फेमस उस चीज़ के लिए। तो हम लोग चलते हैं बक्सीपुर और वहाँ पे क्या प्राइस है और जैवलिन देखते हैं कि गोरखपुर में कोई जैवलिन का और भी कोई प्लेयर है कि नहीं, कैसा मतलब वो बिकती है कि नहीं जैवलिन यहाँ पे, किस जैवलिन के बारे में लोगों के क्या विचार है, वो सभी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली बक्सीपुर तक पहुंच चुके हैं और जो जैवलिन की दुकान बाकी मतलब जिसकी मैंने बात की थी जो स्पोर्ट की जितनी भी दुकान थी यही है। तो आइए देख लेते हैं जैवलिन मिलता है कि नहीं। जैवलिन पता किए थे स्टील वाला? नहीं वो लकड़ी वाला था। स्टील वाला नहीं आया क्या? यही वाला था। फाइनली जैवलिन मिल चुका है और ये ऐसा कुछ जैवलिन है और जैवलिन कौन लेने वाला ये बाद में बताऊंगा कि ये थोड़ा सस्पेंस बना हुआ, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा ना इसके लिए। तो अभी देखते हैं जैवलिन जो लेना है उसका पहले प्राइस वगैरह फाइनल करते हैं। कितने का है भैया प्राइस इसका? 160। और मतलब इससे कुछ दूसरी भी जैवलिन आती है क्या? स्टील की। उसका प्राइस मतलब किसके रेंज में पड़ जाएगा? अगर जिसको भी जैवलिन लेना हो गोरखपुर में तो दुकान में आ चुका है बक्सीपुर, कोई भी आएगा तो यहाँ पे दुकान मिल जाएगा आप सभी को, नाम वगैरह देख सकते हैं तो आइएगा जैवलिन ले सकते हैं। और मतलब गोरखपुर में अभी तक जैवलिन बिकती है कि नहीं बिकती है, डिमांड कैसी है गोरखपुर में, लेने वाले लोग हैं मतलब? तो आप देख सकते हैं गोरखपुर में जैवलिन के जितने भी खिलाड़ी हैं मतलब प्लेयर जो भी काफ़ी अच्छे हैं और अभी इसको लेने के बाद फाइनल करते हैं तो आपसे कुछ बातें करते हैं। हाँ तो जैवलिन जो थी मैंने बताया कि ये जो जैवलिन थी ये हम लोग लेने वाले हैं और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे जितने भी खेल के मतलब गेम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है वो आप सभी को मिल जाएगी, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट की कमी नहीं है, जो मिल जाएगी सब मिल जाएंगे। हाँ तो आप सभी देख सकते हैं और दुकान का जो मतलब जो बैनर था वो मैंने आप सभी को दिखा दिया, तो आप सभी आइएगा एक बार, जो भी सामान चाहिएगा आप वेट फिक्स होकर आराम से ले सकते हैं और रेट वगैरह भैया से फाइनल कर सकते हैं जो भी होगा बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, तो अभी आगे क्या क्या एंजॉयमेंट होती है वो आप सभी को दिखाने में, तब तक एक थंबनेल आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद अच्छे से बातें करते हैं। बिहार से हमारे साथ है और आलोक है ही साथ में, समोसा देख सकते हैं। ऐसा कि मैं फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं तो ये सब अपने हाथ में है। तो कैसा लग रहा है धर्मशाला का स्पेशल समोसा? बढ़िया लग रहा है भाई। आलोक भाई मैं तो डेली खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आलोक का तो गरीब है, सालिस का जो डेली खाया था उन्होंने कभी कहा रहता है, बिहार का समोसा फिक्स रहता है, काफी लेजब का है। खाने के बाद आप फिर से बातें करते हैं। तो गाइस धर्मशाला का स्पेशल समोसा खाने के बाद और हम और हर जो यहाँ से निकलते हैं और आलोक यहाँ से अपने घर की ओर निकलेगा। धूप काफी तेज है गोरखपुर में आजकल, बारिश वगैरह बहुत कम हो रही है। तो आलोक घर जा रहे हो? यस। फिर मिलते हैं कल कॉलेज में। धूप काफी तेज है गोरखपुर में, दो तीन दिन से बारिश नहीं हो रही है और मौसम देखिए ना कैसा है। हर्ष यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर रहा है। गोरखपुर देख सकते हैं और लगभग काफी भीड़ वगैरह नॉर्मल है थोड़ी, आज धूप काफी तेज है। हर्ष हो गया? हाँ भाई बढ़िया है। तो हम लोग चलते हैं, तो आलोक फिर बाय, कल मिलते हैं, बाय लव यू गाइस, बाय बाय। सो गाइस फाइनली यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर के लिए और हर्ष को काफी दिक्कत है क्योंकि जैवलिन लेके जाने में काफी दिक्कत है, इसने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है जैवलिन को। और अभी यहाँ से ये घर की ओर निकलेगा, यहाँ से मैं पैदल चला जा रहा हूँ, रोड के बस उस पार मेरा घर है। तो हर्ष चलते हैं, फिर मिलते हैं कल कॉलेज में, बाय बाय बाय। जम के तैयारी करना ये। और मैंने जैसे कि सस्पेंस बनाया था कि जैवलिन किसका है, तो ये हर्ष का जैवलिन है और हर जैवलिन की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसको थोड़ा जैवलिन में मन लग रहा है। ओरिजिनल से गोरखपुर का जो रेंजर है वहाँ से वो उस जैवलिन लग रहा है, कितना पीस लगा है? ज़्यादा नहीं भाई, 300
लगा रहे। हाँ तो बस बस बाकी का बाद में बताऊंगा, जब ये पूरा मतलब इसका जो प्रिपरेशन थोड़ा तैयारी कर लेगा उसके बाद उस पूरी वीडियो में आप सही पूरा बताऊंगा। तो हर्ष लेके चलना और प्रैक्टिस अगर करना तो हम भी चलते हैं घर पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। और वीडियो चलने की कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय। Oh, 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 oh